सत्य कि किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है और उसका संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार का एक मंत्रालय है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अपने आप में एक दस्तावेज है। आपको बताना चाहता हूं, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार रामानंदी संप्रदाय भी है, शैव संप्रदाय भी है, शाक्त संप्रदाय भी है, वैष्णव संप्रदाय भी है। तो क्या राम एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय के थे क्या? उन्होंने हमारे हिंदू समाज को विघटित करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, इस तरह से आग में घी डालने का काम किया है। मैं उसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। दूसरा जो काम किया है उन्होंने वो ये किया है, अपने जितने समर्थक थे, दफर थे और रबर स्टाम्प थे, उनको उन्होंने ट्रस्ट का मेंबर बना दिया है। उनकी क्या कोई क्राइटेरिया है क्या? अभी अभी एक बयान दिया है चंपत राय ने कि राम जन्मभूमि का जो जमीन है और मंदिर जो है ये रामानंदी संप्रदाय का है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार रामानंदी संप्रदाय भी है, शैव संप्रदाय भी है, शाक्त संप्रदाय भी है, वैष्णव संप्रदाय भी है। तो क्या राम एक पर्टिकुलर एक संप्रदाय के थे क्या? ये कैसा मजाक है? और ये बयान देने वाले चंपत राय को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर में FIR दर्ज होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूं। उन्होंने हमारे हिंदू समाज को विघटित करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, इस तरह से आग में घी डालने का काम किया है। मैं उसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। अब मथुरा और काशी को सुधारने की तैयारी चल रही है। देखिए, मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं कि वास्तव में ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो या उज्जैन हो, कोई भी हो, ये जो है ये हमारे एसेट्स है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है और उसका संरक्षण होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार का एक मंत्रालय है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अपने आप में एक दस्तावेज है। वो रिपोर्ट जो कहती है उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर धर्म, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले जो मुस्लिम बंधु है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि देखिए, अगर आप दादागिरी से आपके मुस्लिम आक्रांताओं ने अगर हमारे सनातन धर्म की परंपरा पर और हमला किया, ये तो हर कोई विदित है, सर्वविदित है और ये इतिहास गवाह है इस चीज का, ये हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। तो आज वो घड़ी आ गई है कि जो जिसकी संपत्ति थी उसको आप एकदम स्वेच्छा से, एकदम आग्रह करके आप उसको लौटाइए, और उसमें किसी तरह की अगर वैमनस्यता करेंगे तो आप समाज का अहित कर रहे हैं। जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको लौटाइए, इसमें आपका कद बढ़ेगा, इसमें हमारा सौहार्द बढ़ेगा, इसमें हमारी एकता बढ़ेगी, इसमें हमारी जो लोकतंत्र की जो आत्मा है, जो हमारी को एकता का, अखंडता का, सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक है, हमारे संविधान में भी इसी सॉवरनिटी के बारे में बताया गया है, इसके ऊपर में हमारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सेल्फिश माइंडेड से, कट्टरवादिता के सिद्धांत के तहत अगर काम करेंगे तो हमारा हिंदू समाज भी सब कुछ देख रहा है और ये दुनिया भी देख रही है। आप इस कोर्ट की तो छोड़िए, इंटरनेशनल कोर्ट तक जो जस्टिस है वो होके रहेगा। अब जिस तरीके से मुसलमान भाइयों को आंख दिखा दिखा के बात करें, कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि दंगे भड़का सकती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैं हर धर्म की आस्था का मैं सम्मान करता हूं, उसके प्रति मैं आस्थावान हूं। मैं तो एक शेर आपको सुनाना चाहता हूं कि मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, मंदिर में पाठ कर लेता हूं, इंसान से कहीं खुदा न बन जाऊं इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूं। इस दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं करता है? कौन सा दूध का धुला हुआ है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता है? अपने दिल से झांक करके पूछे। और हम एक सामान्य रूप से अगर सड़क पे भी चलते हैं तो कम से कम 100 चींटियों की हत्या करते हैं, डेली पर डे करते हैं, तो क्या हम हत्यारे नहीं है? इस्लाम का शाब्दिक जो अर्थ है, मुकम्मल हो ईमान जिसका, दैट इज कॉल्ड मुसलमान। आप बताइए, इस परिभाषा के अंतर्गत में कितने मुसलमान है? मुकम्मल हो, मैं ये नहीं करा, ये परिभाषा आपको कुरान शरीफ में आपको दिखेगा, आप पूछ लेना किसी भी मौलवी से जो जानते हो, मुकम्मल ईमान किसका है आज के डेट में? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे हमारे हिंदू लोग हैं वो अगर सनातन परंपरा का अगर नियमों का पालन नहीं कर रहे, वो भी प्रॉपर में मैं हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, उसमें गागर में सागर है। उसमें अगर एक श्मशान का जो अघोड़ी है वो मांस खाता है, चिता पर बैठता है, वो भी हिंदू है। जो मांसाहारी है वो भी हिंदू है, जो शाकाहारी है वो भी हिंदू है, जो वैष्णव है वो भी हिंदू है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो आस्तिक है वो भी हिंदू है। तो हिंदू धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, इसको समझना पड़ेगा। हिंदुओं की भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचा रही है आपकी बात। देखिए, मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला नहीं आदमी हूं। मैं तो कबीरदास का समर्थक हूं, जिस कबीरदास ने कहा था
कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और उन्होंने ये भी कहा था, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने ये भी कहा था, आप उस चीज को भी समझिए। उन्होंने ये भी कहा था कि रहीमन निजमन की भी था, मन ही राखो गए, सुन रहे थे नहीं है लोग सब बांटे न लही है कोई। उन्होंने प्रेम की परिभाषा बताई है कि पोथी परिपर जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मैं बात करता हूं प्रेम की, मैं बात करता हूं सद्भावना की, मैं बात करता हूं संवेदना की, मैं बात करता हूं एकता की और अखंडता की, और एकता से मानवता से बढ़कर के और प्रेम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा परमो धर्मा, ये जब कहा गया है कि कण कण में भगवान है, कण कण में राम है, कण कण में खुदा है, तो फिर कुछ कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद जाइए। आपके दिल में है, आप अपने दिल को तो देखिए, अपने दिल को तो जानिए। स्वयं को आदमी पहचानता नहीं है, दूसरे के ऊपर में आरोप लगाता है। इसलिए मेरा आग्रह है, माता को स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या क्या किया है आपने।